कई साल पहले जर्मनी में था एक छोटा सा नगर हैमलिन नामक। हैमलिन के लोग आपस में खुशी से और शांति से रहा करते थे। सुबह से शाम तक लोग गाने और मनोरंजन में मग्न रहते थे। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में एक बहुत बड़ी मुसीबत छा गई, चूहों की। सारा शहर हजारों चूहों से भर गया, घरों में, विश्रामालयों में। शहर के नागरिक इन चूहों की वजह से बीमार पड़ने लगे। खाना पानी सब भ्रष्ट होने लगा। शहर के मेयर साहब ने कई बैठकों का प्रबंध भी किया इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। पहले सब ने सोचा कि बिल्लियां इन चूहों को भगा निकालेंगी, तो लोगों ने बिल्लियां लाई और हर जगह छोड़ दी। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चूहों की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। एक दिन एक अजनबी हैमलिन में आया। उसके पास थी एक बांसुरी। अजनबी पाइट पाइपर सीधा मेयर साहब के पास गया। अजनबी ने मेयर से बोला, जर्मनी के हर एक कोने में पता है कि हैमलिन के शहर में चूहों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मेरा इनाम क्या होगा? एक क्षण के लिए तो मेयर हैरान रह गया कि अचानक से कोई अजनबी उनके दफ्तर में आकर बोल रहा है कि वह शहर के सारे चूहों को भगा देगा। अगर तुम ये सच में कर दोगे तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में, बोला मेयर। एक दिन के अंदर अंदर हैमलिन में एक चूहा भी नहीं बचेगा। और हाँ, आप अपना वादा ना भूले। ऐसा कहकर पाइट पाइपर वहाँ से चला गया। मेयर पाइट पाइपर की ओर अपनी खिड़की से देखता रहा उसको शहर के बीचों बीच चलते हुए। फिर अचानक से पाइट पाइपर ने अपनी बांसुरी पर एक अनोखा धुन बजाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी शोर शुरू हो गई। हजारों चूहे हर दिशा से आने लगे और पाइट पाइपर की अनोखी धुन का पीछा करने लगे। घरों से, दुकानों से, हर जगह से चूहे बाहर निकलकर इस धुन के पास आने लगे। अजनबी समुन्दर की ओर चलने लगा। काफी अनोखा दिशा था शहर के सारे लोगों को। हैमलिन के सड़कें इन चूहों की लहरों की वजह से काले नजर आने लगे। अजनबी अपनी बांसुरी बजाते बजाते सीधा समुन्दर के अंदर घुस गया और साथ साथ सारे चूहे भी। चूहे पानी की लहरों में पकड़े गए और सब के सब डूब गए। इस तरह पाइट पाइपर ने अपने वादे अनुसार हैमलिन को सारे चूहों से मुक्त कर दिया। अजनबी शहर वापस आया और मेयर के पास गया अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने के लिए। मेयर और शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर बहुत खुश हो गए। पर मेयर ने अपनी जुबान बदल डाली। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, पर एक दिन के काम के लिए 10,000 सिक्के कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हें केवल 500 सिक्के दूंगा। और बेवकूफ मेयर ने उसको अंत में एक भूटी कौड़ी भी नहीं दी। अजनबी ने मेयर की ओर गुस्से से देखा और कहा, अब मैं एक और धुन बजाऊंगा और आप इसके अंजाम से खुश नहीं रहोगे, देख लेना। ऐसा कहकर पाइट पाइपर वहां से चला गया। उसने अपनी बांसुरी फिर से बाहर निकाली और बजाना शुरू किया। इस बार अजनबी ने कुछ अजीब सी धुन बजाई। हैमलिन के सारे बच्चे जो थे अचानक से अपना काम काज, खेलना कूदना बंद कर दिए। एक एक करके पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे। अजनबी शहर से बाहर निकल गया और कहीं दूर पहाड़ों में गायब हो गया, और उसके साथ साथ हैमलिन के सारे बच्चे भी। बच्चों के माँ बाप रोने लगे, उस अजनबी ने हमारे बच्चों को कहाँ लिया है? सबों ने मेयर साहब के पास। मेयर असहायक था। उसको पता था कि उसने अजनबी को धोखा दिया है। अजनबी हैमलिन वापस तो आ गया, पर बच्चे नहीं। मेयर तुरंत उसके पास गया माफी की भीख मांगने के लिए। उसने बहुत विनती की बच्चों को वापस ले आने के लिए, पर बिना कुछ कहे पाइट पाइपर बस मुड़कर वहां से चला गया। शहर के सारे लोग मेयर के दफ्तर के बाहर आ खड़े।
सबने उन्हीं की ओर उंगली उठाई और गुस्से से मांग की, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेयर शर्मिंदा होकर बस चुपचाप खड़ा रहा। अब तुमको ही ढूंढना पड़ेगा, हमारे बच्चों को वापस ले आओ। मेयर शहर से भाग गया पहाड़ों की ओर। उसने सालों साल बिताए गायब हुए बच्चों को ढूंढते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा अपने दिए गए वादों को पूरा करें।